Good morning, HGTV students. This is your class test two, English eleventh syllabus. In this test, you have to cover up these topics: first, invitation; second, speech; third, a photograph poem; and lesson. We are not afraid to die if we all be together. And fifth, discovering. To the saga continues. Format of a speech containing. 150 200 words. You have to write this topic in sorry 200 to 50 words. And uh, first of all, you have to write salutation. Salutation means greeting lines. Aapne hai. Then beginning of the topic, it must be catchy. Catchy hona chahiye, clear hona chahiye. Next development of the topic. Development of the topic: the speaker must will his case logically by presenting different sides of the issue. यानी जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स उस टॉपिक से रिलेटेड uh, uh, डिफरेंट चीज़ें आपने मेंशन करनी है नेक्स्ट कंपेयर एंड कंट्रास्ट यानी आप uh, कोई ऐसा अगर टॉपिक है जिसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकते हैं किसी चीज़ के किसी डाटा के साथ तो आप वो करेंगे देन समिंग अप द स्पीकर शुड सम अप व्हाट ही हैज़ ऑलरेडी सेड यानी जो भी अब तक कहा आपने पहले उसको आपने समिंग अप करना है देन कंक्लूजन कंक्लूजन आपने द स्पीच मस्ट कंक्लूड ऑन ए पॉजिटिव नॉट बी दैन ऑब्जर्वेशन होप वार्निंग एंड सजेशन फॉलोड बाय थैंक यू लास्ट में आपने थैंक यू बोलना है बेटा ये फॉर्मेट मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ क्लास के अंदर और अगर आप स्टार्टिंग की बात करें तो इस तरीके से आपने स्टार्ट करना है टॉपिक ऑनरेबल प्रिंसिपल रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माई डियर फ्रेंड्स न ग्रीटिंग गुड मॉर्निंग एवरीबडी टूडे आई नेम यहाँ पर गोट एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई व्यूज ऑन द टॉपिक फिर आपने यहाँ पर टॉपिक राइट करना है और इस तरीके से स्पीच को आपने आ, इन्हांस करना है आगे और लिखने हैं अपने व्यूज देन इन्विटेशन इन्विटेशन हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है फॉर्मल इनफॉर्मल टू टाइप्स होते हैं एंड फॉर्मल के अंदर फॉर्मल इन्विटेशन यू हैव टू राइट इन दिस वे फर्स्ट ऑफ ऑल होस्ट दैन ओकेज़न देन डेट एंड टाइम एंड देन कॉन्टैक्ट डिटेल इस तरीके से आपने है जो फॉर्मल इन्विटेशन है राइट करना है देन इनफॉर्मल इफ यू एक्सेप्टिंग द प्रपोजल अक्सेप्टिंग द इन्विटेशन सॉरी तो आपने इस तरीके से राइट करना है वो जैसे हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं उस तरीके से

इस पॉइम के अंदर लाइफ के थ्री फेजेस दिखाए गए हैं फर्स्ट फेज इज चाइल्डहुड जिसके अंदर प्लेइंग लाफिंग एंड एंजॉइंग शो होता है एंड सेकेंड फेज इज़ ग्रोथ जिसके अंदर प्रोग्रेस मेंटेनेंस एंड ओवर एंड थर्ड फेज इज़ साइलेंस डेथ वेन नो वन इज़ मोर यानी इस तरीके से इस पॉइम के अंदर है जो लॉस ऑफ मदर को शो किया गया है इन सेकेंड लेसन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर रिटर्न बाय गॉर्डन कुक एंड नलेन ईस्ट तो ये जो लेसन है इसके अंदर ब्रेवरी को शो किया गया है करेज को शो किया गया है इन दिस लेसन द नरेटर डिस्क्राइब द नियर डेथ एक्सपीरियंस डेथ एक्सपीरियंस को शो किया गया है ऑफ these पीपल देयर हार्ड वर्क को शो किया गया है चिल्ड्रन एनकरेजिंग मैसेज यहाँ पे जो उसके दो बच्चे हैं जोनाथन एंड सुजेने वो भी बहुत ब्रेव हैं एंड चिल्ड्रन एनकरेजिंग मैसेज है एंड देयर विलिंगनेस टू डाई और विद देयर फैमिली उनमें से बच्चे ही बोलते हैं कि अगर हम साथ हैं तो हमें मरने से भी डर नहीं लगता एंड हाव आर्स ऑफ इंड्योरेंस उनके सहन करने के कितना टाइम उन्होंने सहा एंड फाइनली दे आर रीचिंग एम्स्टर्डम और लास्ट में वो एम्स्टर्डम पहुंच जाते हैं टिनी आइलैंड तो इस तरीके से इस लेसन के अंदर है जो ब्रेवरी और करेज़ को शो किया गया है होप को शो किया गया है एंड नेक्स्ट इज़ द लेसन डिस्कवरिंग saga कंटिन्यूज ये लेसन आपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है इन दिस लेसन किंग टथ वॉज अ टीनेजर वेन ही डाइड यानी जब उनकी डेथ हुई तो वो एक टीनेजर थे एंड द लास्ट ईयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली लास्ट मतलब वंशज़ थे एंड दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज काफ़ी टाइम तक है जो मतलब रूल किया उनके एमसेस्टर्स ने ही वॉज लेट टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉर गेटन मतलब उनको है जो जब उनकी डेथ हुई तो उनको दफनाया गया तो काफ़ी ज़्यादा गोल्ड अदर जो चीज़ें थी अच्छे अच्छे कपड़े वगैरह सब उनके साथ ही ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह भी उनके साथ ही है जो दफना दिए गए इनकी ये मतलब थिंकिंग थी कि जो आज यहाँ पर साथ कब्रिस्तान के अंदर वरिड किया जाता है वो नेक्स्ट अ, मतलब जन्म के अंदर मिलेगा एंड इन दिस लेसन द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेक्युलेटेड अबाउट वॉट हैपन टू हिम यानी मॉडर्न वर्ल्ड ये फाइंड आउट करने में जुटा हुआ एक्चुअली कि कैसे उनकी डेथ हुई थी क्या हुआ होगा उनको कि विद मर्डर बींग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी कि क्या उनका मर्डर हुआ था ऐसा मतलब संभावना हो सकती है एंड नाउ लिविंग हीज टोम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट एटी ईयर्स यानी अस्सी सालों के अंदर पहली बार उनके टॉम को है जो वहाँ से खोदा जा रहा है नॉट डट हैज़ अंडर गोन ए सी टी स्कैन दैट ऑफरज हिम न्यू क्ल्यूज़ अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ यानी सिटी स्कैन से निकाला गया उनको प्रोवाइडस प्रिसाइज डाटा फॉर एन एकट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ़ द बॉयज फैरो यानी फेरो को भी यहाँ पर किंग ही बोला जाता है तो इस तरीके से उनका सिटी स्कैन कराया गया बॉडी का यानि डैड uh, मम्मीज में से ये फाइंड आउट करने की कोशिश की हुई की थी कि क्या हुआ होगा एक्चुअली उनको तो इस तरीके से बेटा आपने ये लेसन प्रपेयर करना है हमने बहुत अच्छे से पहले इस लेसन को प्रपेयर किया हुआ है रीड आउट किया हुआ है इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअल में क्या है इस लेसन के अंदर सो यू हैव टू प्रपेयर फॉर ऑल दिस टॉपिक फॉर क्लास टेस्ट टू ऑल द बेस्ट